हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के वीडियो का पार्ट फोर लाया हूँ। पार्ट वन, टू और थ्री अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, जो वीडियो का पार्ट थ्री है उसमें मैंने 30 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो इसमें 31 से शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि एस पी एल सोरेनसन ने खोजा था, तो एस पी एल सोरेनसन ने जो है वो पीएच की खोज की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है वो करेक्ट होगा, इन्होंने पीएच की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि पीएच एवं पीओएच का योग सदैव होता है, तो पीएच एवं पीओएच का योग जो है सदैव 14 होता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालकता की सही इकाई है, तो विद्युत चालकता की जो सही इकाई होती है वो होती है एसी साइमंस पर मीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु क्षरण से प्रभावित कुल क्षेत्रफल है, तो भारत में वायु क्षरण से प्रभावित कुल क्षेत्रफल 13 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि भारत में लवण एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है, यानी कितना है, तो भारत में लवण एवं क्षारीय मृदा का जो क्षेत्रफल होता है वो है 6.74 मिलियन हेक्टेयर। और इसमें जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा है, इसमें लवणीय मृदा का क्षेत्रफल जो है वो है 2.9 मिलियन हेक्टेयर और जो क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है वो है 3.7 मिलियन हेक्टेयर, तो ये दोनों मिलाकर जो है 6.74 मिलियन हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है कि पीएच 4 से कम वाली मृदा कहलाती है, तो 4 से कम वाली पीएच वाली मृदा जो है अम्लीय सल्फेट मृदा कहलाती है, एसिड सल्फेट सॉइल कहलाती है। अगला प्रश्न है कि लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं, तो लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं मुख्यतः शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि विनिमय सोडियम प्रतिशत यानी ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी गणना किससे की जाती है, तो इसमें जो है ये इसमें कोई आंसर नहीं है, ये सभी जो है अलग अलग हैं, तो इसका सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि लवणीय मृदाएं जानी जाती हैं, तो लवणीय मृदाएं जो है वो सफ़ेद क्षारीय मृदाओं के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि वह मृदा जिसका पीएच 8.5 से 10, विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक तथा विद्युत चालकता 4 डेसी साइमंस पर मीटर से कम होती है कहलाती है, तो ये जो है ये क्षारीय मृदा कहलाती है, एल्कलाइन सॉइल। अगला प्रश्न है कि मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो मृदा निम्नीकरण के लिए मृदा अपरदन, लवणीयता एवं क्षारीयता और अम्लीयता, ये सभी जो है उत्तरदायी हैं, तो इसमें उपयुक्त तो सभी होगा। अगला प्रश्न है कि मृदा भार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर जाना कहलाता है, तो ये सॉइल इरोजन मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पायराइट का उत्पादन अधिक होता है, तो पायराइट का उत्पादन बिहार में अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि वह अम्लीयता जो मृदा कोलाइड पर H+ और Al3 आयन के अवशोषण से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विनिमय अम्लीयता, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। अगला प्रश्न है कि जिस मृदा का पीएच 7 से 8.5 के बीच होता है वह कहलाती है, तो वह सैलाइन सॉइल कहलाती है, लवणीय मृदा। अगला प्रश्न है कि चूना यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग को सुधारने में किया जाता है, तो चूने को सुधारने का प्रयोग जो है वो अम्लीय मृदा में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण प्रदर्शित होता है, तो इसका जो सूत्र है वो है A = R×K×L×S×C×P। इसे आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि A = RKL SCP। अगला प्रश्न है कि सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण को विकसित किया था, तो सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण को विस्मायर एवं स्मिथ ने विकसित किया था, विस्मायर एवं स्मिथ ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन वायु अपरदन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन या उच्छलन, निक्षेपण, निलंबन एवं पृष्ठ सर्पण, तो इसमें जो है इल्यूविएशन, निक्षेपण जो है ये वायु अपरदन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु अपरदन अधिक होता है, किससे सबसे अधिक होता है, तो इसमें सरफेस क्रीप जो है
पृष्ठ सर्पण से सबसे अधिक वायुप्रदन होता है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ सर्पण प्रक्रिया में कण का आकार होता है, तो पृष्ठ सर्पण प्रक्रिया में जो है कण का आकार होता है मोर देन 0.5 होता है, और जो साल्टेशन होता है उसमें 0.1 से 0.15 मिलीमीटर, और जो सस्पेंशन होता है उसमें लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है। ये सरफेस क्रीप है, सरफेस क्रीप में मोर देन 0.5 और साल्टेशन में 0.1 to 0.15 और सस्पेंशन में 0.1 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जल अपरदन का एक प्रकार है, तो इसमें ऑप्शन ए है निलंबन, ऑप्शन बी है निच्छालन, ऑप्शन सी है परतदार अपरदन और ऑप्शन सी है लवणीकरण। तो इसमें जो परतदार अपरदन है सीट इरोजन, ये जल अपरदन का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RHC की गणना की जाती है, तो RHC की गणना जो है वो की जाती है CaCO3 प्लस HCO3 माइनस Ca++ प्लस Mg++। अगला प्रश्न है कि लवणीय क्षारीय मृदा की विशेषता होती है, तो लवणीय क्षारीय मृदा की विशेषता होती है इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मोर देन 4 होती है और pH जो होता है वो लेस देन 8.5 और इसकी जो ESP होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो होती है मोर देन 15। अगला प्रश्न है कि जिप्सम की आवश्यकता यानी जिप्सम रिक्वायरमेंट संबंधित है, तो ये जो है एल्कलाइन क्षारीय मृदाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर किस गुणवत्ता का सिंचाई जल पौधों के लिए सुरक्षित है, तो इसमें जो है लेस देन 1.25। अगला प्रश्न है कि मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि के लिए उपयोगी वर्ग नहीं है, तो वर्ग जो है 5 से 7 वर्ग तक जो है ये उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल अपरदन का एक प्रकार नहीं है, तो जल अपरदन का एक प्रकार जो है वो नहीं है पृष्ठ सर्पण अपरदन, ये वायुक्षरण का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ढलान वाली भूमि से मृदा के एक समान परत का क्षरण होना कहलाता है, तो ढलान वाली भूमि से एक समान परत का क्षरण होना जो है वो परतदार अपरदन कहलाता है, परत अपरदन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि उंगली समान संरचना किस जल अपरदन में बनती है, तो ये रिल अपरदन में बनती है उंगलीदार संरचना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिएगा।